किन्नरों व उनके साथियों ने मानवता को किया शर्मसार, युवक को दी तालिबानी सजा। कासगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न कि कासगंज जिले को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया है। किन्नर के साथ किन्नर बनकर अपना पेट पाल रहे एक युवक को तीन किन्नरों और उनके दो साथियों ने पहले उसे जमकर पीटा, फिर उसके साथ लूटपाट की, उसरे से सिर गंजा करके जबरन उसको पेशाब पिलाई। घटना को अंजाम देते समय इन्हें पुलिस और कानून का कोई भी खौफ वायरल वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कासगंज जनपद के सहावर थाना क्षेत्र की पुलिस के मुताबिक ये वीडियो बीती 26 जुलाई समय तकरीबन 12 बजे का बताया जा रहा है। सहावर थाना क्षेत्र के बसई निवासी रफीकुल का कहना है कि वे इतना कसूरवार था कि गंज डुंडवारा की रहने वाली चांदनी किन्नर के यहाँ खाना बनाता था। वह उसके साथ मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचकर सहयोग करता था। रफीकुल रूपराम किन्नर के साथ भी रहता था। इसी बात को लेकर किन्नर करीना, रिचा, लाली और उनके दो अन्य साथी पर नौर रसीम ने क्षेत्र के जौहरी भट्टा के समीप पकड़ कर ले गए, सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और बैग छीन लिया। बैग में रखे 10,000 रुपए भी छीन लिए। इतने पर भी उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो सिर गंजा कर जबरन पेशाब भी पिला दी। आरोपी घटना की वीडियो भी बनाते रहे। जब इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सहावर थाना पुलिस हरकत में आ गई। आनंद थाना में पांचों के खिलाफ FIR दर्ज कर तीन किन्नरों सहित पांचों को जेल भेज दिया है। मम्मी मानो गुरु मानो मियाँ मुत रही उसके ऊपर गुरु मान दे मेरे मुंह में गया है गुरु मानना तेरे पैर धो रही हूँ। थाना सावर में जो घटना हुई है उसका क्या मामला है सर? थाना क्षेत्र सावर जनपद कासगंज निवासी रफीकुल के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 में अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सावर पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र सहावर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटनाक्रम में जो नामजद पांच अभियुक्त थे पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया और रिमांड बनवा करके उनको जिला कारागार रवाना किया गया है। और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और विधिक कार्यवाही अभी प्रचलित है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल